अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत जनाब शकीब रहमान साहब है, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं और कामटी शहर के रिप्रेजेंटेटिव कॉरपोरेटर। चलिए जानते हैं उनसे MIM को लेकर वो कामटी में क्या सोच रखते हैं और उनका आगे का इस पार्टी को लेकर जाते हुए क्या प्लान है। तो शकीब साहब, स्वागत है आपका NGP न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप नागपुर डिस्ट्रिक्ट के MIM के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एज अ प्रेसिडेंट आपका कामटी को लेकर क्या प्लान है। सबसे पहले तो मैं अस्सलामुअलैकुम, जय मीम जय भीम, ये हमारा नारा है। और मैं NGP न्यूज़ को और सुशांत भाई को हमारे बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपने इस स्टूडियो में बुला के मेरा एक छोटा इंटरव्यू करने का प्लान किया। तो मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा NGP न्यूज़ का और जिशान भाई का। और जैसा कि आपने बोला कि मुझे चुने गए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रेसिडेंट जी नागपुर डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण का बनाया गया है, तो मुझे बनाया गया है जी जी। आई एम नॉमिनेटेड फॉर दिस पोस्ट एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम दिस मीडिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का और विदर्भ प्रेसिडेंट आली जनाब नाजिम भाई का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, कि उन्होंने मुझे इतनी प्लम पोस्ट से नवाजा, मुझे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नागपुर डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण का प्रेसिडेंट बनाया। बिल्कुल। और रही बात मेरी जो प्लानिंग है, तो मैं आपको बता दूँ मेरे पास नागपुर के जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जी और जो 12 तालुके हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र, उसका मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है, नागपुर ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया है जी। और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक कैडर बेस्ड पार्टी बनाने की सोच रखता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे पूरे महाराष्ट्र में एक भी विधानसभा सीट या एक भी लोकसभा सीट आज तक बहुजन समाज पार्टी ने नहीं जीती। बिल्कुल। फिर भी उनकी पार्टी का झंडा, उनकी पार्टी का बोर्ड आपको हर एक गांव में, हर शहर में मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यही सोच लेकर हम MIM जो है आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे। हम एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक तालुके में अपनी पार्टी की स्थापना करेंगे, क्योंकि हमें अपने लोगों को ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हमें आज की डेट में अपने आप को एक कैडर बेस्ड पार्टी से जोड़ना, एक कैडर बेस्ड पार्टी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है जी। हमें उस मेंटेलिटी से, उस सोच से बाहर निकलना है कि यार मैं इसको वोट दूंगा, ये जीत के आएगा कि नहीं आएगा जी। जीतना और हारना, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिक्स ओनली। दो किस्म की राजनीति होती है, एक इलेक्टिव पॉलिटिक्स जो इलेक्शन लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, और एक प्रेशर पॉलिटिक्स। प्रेशर पॉलिटिक्स मतलब वो पॉलिटिक्स जहाँ आपका संगठन इतना मजबूत हो कि आप बस सड़क पर उतरने की धमकी दें और आपके काम हो जाए जी। ये सोच लेकर हम आज MIM को उतरे हैं और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे जी। मैं आपसे शकीब भाई सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, एक हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे एक पार्टी को जो ब्लेम किया जाता है, तो जिस तरह कांग्रेस BJP वालों को, BJP कांग्रेस वालों को, तो उसी तरह से कांग्रेस वाले या और भी अदर पार्टीज़ का कहना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम ये BJP की बी टीम, इसको लोग ऐसा मानते हैं, तो इसके बारे में आप क्या क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे। असल में देखिए कैसा है, ये ही एक स्ट्रेटजी है कांग्रेस की या दूसरीगर पार्टी की जी। कि जब जब कोई भी इंसान, अब मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, आज से 5 साल पहले जब मैं पॉलिटिक्स में एंट्री लिया, तो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं सिलेंडर लेके उठा था जी। तो मुझे कांग्रेस की तरफ से बोला गया कि ये BJP की तरफ से उठाया कैंडिडेट है, ये BJP की तरफ से भेजा हुआ आदमी है जी। तो कांग्रेस की ये चाल ही रही है कि जब जब कोई आवाज़ कांग्रेस के खिलाफ उठी है जी, खास करके माइनॉरिटी की, मुसलमानों की आवाज़, तो वो लोग हमेशा उनको बी टीम बोल के चुप करा दिया गया। अब आप मुझे बताओ कर्नाटक में क्या हुआ, जो लोग हमको बोलते बी टीम के बारे में, पूरी की पूरी सरकार बदल गई। बिल्कुल। पूरी की पूरी पार्टी चली गई BJP में और अभी चले ये रास्ते लगे हुए हैं, NCP और कांग्रेस के लोग जा रहे हैं BJP में जी। उनको सब हजम, उनको सब लाजमी, लेकिन मुसलमान अगर से अपनी आवाज बनाए। देखिए ये बड़े अफसोस की बात है कि 2-3% जाट पूरा हरियाणा बंद कर देते। बिल्कुल। ठीक है, 2-4% गुज्जर पूरा राजस्थान बंद कर दिए, है ना,
15% पटेल पूरा गुजरात बनकर दिए है ना, उनकी खुद की पार्टी, उनके खुद के लोग डिमांड करते और डिमांड मनवाते और उनकी खुद की यादव कितने हैं, यादव मुश्किल से 5%। बिल्कुल, आज यूपी जैसे बड़े स्टेट में खुद की पार्टी है, खुद का रिप्रेजेंटेशन है जी। वो लेकिन सेक्युलर है। मराठा आज यहाँ पर 27% है, अपनी डिमांड के लिए सड़क पर जाते, पूरी पार्टी इनको सपोर्ट करती है, वो सेक्युलर है। दलित बेचारे हमारे दुनिया भर की, उनकी मतलब बहुत सारी उनकी ये है, क्या नाम है अपना, पार्टियाँ हैं, अम्बेडकराइट पार्टी बहुत सारी, रिपब्लिकन, ठीक है, वो अपनी डिमांड मनवाते हैं, वो भी सेक्युलर है। लेकिन अगर से मुसलमान अगर से आवाज़ उठाए और अपनी कायद चुनने के लिए एक कदम भी आगे बढ़े और कांग्रेस के खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़े करे तो वो बीजेपी की बी टीम हो जाता है जी। ये जो फर्क है सोच का, ये बदलना है हमको, ये बदलना बहुत जरूरी है। क्या वजह लगती है आपको कि मतलब ऐसा ये प्लान के थ्रू किया जाता है? इसकी वजह ये है कि कांग्रेस का आज वोट बैंक है क्या मुसलमान? आज उसको वोट कौन दे रहा, मुझे बताइए आप। आज कामटी में हमारे शाजा भाई नगर अध्यक्ष बने जी, आप मुझे बताइए, आप निकाल लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए कि किसने उनको वोट दिया जी। आज अलहमदुल्ला बहुत अच्छी एग्जांपल दी कामटी में लोगों ने, एक साथ खड़े होकर उनके साथ। बिल्कुल, हालांकि हमारी पार्टी का कैंडिडेट था, लेकिन एक सूझबूझ थी राजनीतिक लोगों की, हमारी तो सोच थी हमारा आदमी आ जाए चुन के, लेकिन लोगों की सूझबूझ थी। तो मेरा ये कहना है कि कब तक, अच्छा मेरा एक सवाल है, चलो कांग्रेस से क्या मिला आपको कांग्रेस को वोट देके जी, हासिल क्या है कांग्रेस को वोट देके, मुझे बता दीजिए आप। सोशल फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, एजुकेशन फ्रंट पे, हेल्थ फ्रंट पे, आप मुझे बता दो कि हाँ कांग्रेस ने यार ये किया। आप मुझे बताइए, कामटी में तीन चीज़ें हुआ करती थी एक ज़माने में, एक बेकरी, एक बीड़ी और एक बुनकर। बिल्कुल, तीनों की तीनों तबाह हो गए साहब पूरे काम। क्या सपोर्ट मिला आपको बढ़ने के लिए वो बिजनेस? अरे हम तो इंडिपेंडेंट थे, हम तो बुनकर थे, हम तो इंडिपेंडेंट थे, क्या मिला हमको? आज कामटी में दो दो गैस एजेंसियाँ, एक कुठारी के पास है, एक तिवारी के पास है, क्यों? गजबिये के पास, मेशराम के पास, वांखेड़े के पास, अंसारी के पास, पठान के पास, शेख के पास, क्यों नहीं दी कांग्रेस ने? ये मेरा सवाल है। मतलब वोट के वक्त मुसलमान, दलित और दूसरी वीकर सेक्शन, और जब बांटने की बात आए सरकार की रिसोर्सेज को, तो इनको सिर्फ और सिर्फ कौन दिखते? अपर कास्ट लोग दिखते जी। ये जो डिफरेंस है सोसाइटी में, इसको दूर करना है। हम वंचितों की आवाज़ है, हम कोई मुसलमानों की आवाज़ थोड़ी लेके उठे हैं, हम सारे दबे कुचले लोग की आवाज़ उठे उठे। मुझे बताइए आप कितने राशन कार्ड आपके पास है, कितने राशन कार्ड की राशन की दुकानें आपके पास है, कंट्रोल की दुकानें आपके पास है? एक भी नहीं, कुछ भी नहीं आपके पास। आप मुझे बताइए कामटी को क्या कुत्ते और सुअर पालने के लायक ही बना के रखना क्या सिर्फ? क्यों यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है? ठीक है, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि मिलिट्री एरिया है इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं आ सकती, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सर्विस इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री या एजुकेशन इकोनॉमिक जोन क्यों नहीं आ सकता, या एजुकेशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एजुकेशन जोन क्यों नहीं आ सकता? क्या डिफरेंस है? तो मेरा ये लड़ाई है हमारी, ये हमारी लड़ाई है हमारे हक के लिए जो अब हम लड़ने वाले हैं, लोग कोई भी इल्जाम लगाए। काफ़ी बेहतरीन क्लेरिफिकेशन दिया आपने। तो मैं आपसे शकीब भाई जी जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि पूरे कामटी में पूरे मुस्लिमों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और सत्ता में लाया है ना, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी या और जो भी लोगों ने कांग्रेस को आगे बढ़ाकर आज कामटी नगर परिषद में प्रेसिडेंट कांग्रेस का बेटा है, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से कामटी की जनता ने उनको इलेक्ट किया है, जिस तरह से उन्हें चुना है, तो वो वैसा रिजल्ट कामटी को दे पा रहे हैं क्या? देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अभी नहीं चुन के दिया हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को, आप पिछले 70 साल का पूरा रिकॉर्ड निकाल लो, हमारा वोट कांग्रेस को ही गया है। और पिछले 70 साल का रिकॉर्ड निकालिए आप स्पेसिफिक मत होइए कि पिछले 3 साल में क्या हुआ, 3 साल में क्या हुआ, रोड, नाली और क्या बोलते हैं अपना पानी जी। यही मुद्दे होते हैं नगर परिषद के, है ना। अभी अब मैं बता दूं प्रपोजल हमारा, अभी नगर परिषद में प्रपोजल है 3 टंकी के पानी का जी। एक टंकी लगेंगे यहाँ पर अपना आपके बारिशपुरा मैदान में, एक टंकी लगेंगे बकरे के मेले में, एक लगेंगी कॉलोनी के मैदान में। तो अभी जो एक टंकी है हमारे यहाँ उसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अधिकार था, हमने प्रपोजल भेजा, अभी ये मसला अटका हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि आप जानते हो एमएलए किसका है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा तालमेल का मसला आता है। अभी आप देख रहे हो काम भी डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पर, मतलब फंड ला के कोशिश की जा रही करने की जी। मेरा सवाल ये है, मेरे जो सोच ये है कि 70 साल में सड़क, नाली, पानी, इसके ऊपर कब जाने वाले हम लोग, कब जाने वाले, मैं ये मेरे सवाल है। आप मुझे बताइए, आज आप नागपुर जाते हैं ड्यूटी के लिए, हम सभी जाते हैं कहीं ना कहीं नागपुर कुछ काम से, आपके पास सुविधा नागपुर जाने की क्या है सिवाय लाल बस के अलावा, मुझे बता दो आप, ऑटो के अलावा क्या है आपके पास? क्यों मेट्रो फर्स्ट फेज में कामटी से नागपुर नहीं लेकर गई जी?
तो ऐसा तो है ना, लेकिन आगे आने वाली, बिल्कुल आने वाली। मैं ये पूछता हूँ, अभी जो मेट्रो चालू हुई खापरी से, आप उसका निकाल लो एक्सपेंडिचर और आप निकाल लो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हुआ है। लोग बैठे नहीं उसके अंदर, वो तो मैं खुद ही देख रहा हूँ, रूट ही है वो, 4 से 6 लोग पूरी मेट्रो में मुझे। तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, पहले आप यहाँ से चालू करते तो आपको फ्रॉम डे वन पब्लिक मिलती चलने के लिए। बिल्कुल, दिस शुड बी द प्लानिंग। और ये प्लानिंग क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे जो लोग थे ये शांत बैठे थे। अच्छा मुझे बताओ, ठीक है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं आ सकती, अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स नागपुर में आया, मालूम है आपको कहाँ गया वो? मिहान में गया। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर में आया, कहाँ गया वो? मिहान में गया। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर में आया, कहाँ गया वो? नागपुर में गया, मिहान में गया। बिल्कुल। अभी नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नागपुर में आया है, वो कहाँ गया? वो भी मिहान में गया। अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर में आया है, वो कहाँ गया? मिहान में गया। मतलब हर इन्वेस्टमेंट ये नागपुर से वर्धा रोड पे लेके जा रहे हैं, गुट्टी बोरी भी वहीं, ठीक है मिहान भी वहीं। तो हमको क्या करना, मेरा ये सवाल है, हमको कुत्ते सुअर पालना क्या सिर्फ जी? तो क्या आप क्या करना है, मतलब क्या हमारी अभी डिमांड रहेंगी? जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर कुत्ते और सुअर ही एक जमाने से पाला जा रहा है, तो आप क्या डिमांड करना? अब मैं बताऊँ मेरी डिमांड, देखिए आप, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अच्छा आपने कभी कोई लोन, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया, मिला आपको? मैं पूछना चाहता हूँ कि छोटी मोटी जो फैक्ट्री, छोटे मोटे जो काम है यहाँ पर, बेकरी सपोज, अभी बेकरी वाले बेचारे अपने बलबूते पर कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, क्या आपने लोन सुविधा करवाने के लिए उसके लिए कुछ किया? मैं बावन कुल हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरा, कितने लोग को आपने मुद्रा लोन दिलाया मुझे बताइए आप, जिससे वो अपना बिजनेस कर सके? नहीं चाहिए आपके रोजगार? वो तो मतलब सर कैसा है कि मतलब जैसे आपको अप्लाई करना है, आपका डॉक्यूमेंटेशन, मैं खुद पर्सनल लोगों का लेकर गया हूँ, नहीं होता साहब क्लियर। अच्छा। क्यों नहीं होता? ये जो माइंडसेट बना हुआ है क्वेश्चन मार्क। अच्छा। ये मुसलमान है, मैं दावे से सीने ठोक के बोलता हूँ कि मुसलमान है, इसको मुद्रा लोन नहीं मिलता, ये सीने ठोक के बोलता हूँ। नहीं तो मेरे पास आ जाए लोग बोलने के लिए, बता दे। और क्या घोटाला हम करके बैठे, हम करके बैठे घोटाला, करोड़ों रुपये घोटाले करे, कितने मुसलमानों के नाम है बता दो मेरे को आप। मैं इतना क्रिमिनल होता नहीं, लेकिन हक बात है तो हक तो करूंगा मैं बात। ये मेरे साहब ने मुझे सिखाया कि हक बात तो मैं करूंगा। मुझे बताओ मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ छोटे मोटा रोजगार, आप दे सकते क्या वो? आईटी पार्क खुलने में दिशा में क्या जा रहा, मुझे बताइए आप। गड्डी गोदाम में आईटी पार्क खुल सकता, कामटी में खुल सकता, बिल्कुल। क्या लगता है उसके लिए? अगर देखा जाए तो काफ़ी जगह यहाँ पर निकाली जा सकती है। बट मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे भवान कोले साहब अभी चौथी बार इस विधानसभा क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, हम 15 साल जो उन्होंने, अभी 5 साल वो एक एनर्जी मिनिस्टर रहे और यहाँ के पालक मंत्री भी रह चुके हैं, बिल्कुल सही बात, तो आपको क्या लगता है उनकी पोस्ट के हिसाब से यहाँ आउटपुट मिल पाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, अभी मैं इसका बहुत विस्तार से जवाब दूंगा। 15 साल आमदार साहब बावनकुले साहब, बिल्कुल है ना, 5 साल मंत्री जी, पावर मिनिस्टर जी, पावर मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने क्या लाया प्रोजेक्ट कि हम कामटी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे जी। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा कितने चालू है, सीसीटीवी कैमरा कितने लगे अभी तक? अंडरग्राउंड करेंगे पूरे इलेक्ट्रिसिटी वायर को, अभी तक वो काम नहीं हुआ। 5 साल आप मंत्री थे, आपका क्षेत्र में नहीं हुआ काम, आपके क्षेत्र में नहीं हुआ। 5 साल से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है हमारा, उप जिला रुग्णालय, बिल्डिंग बन रही खाली, बिल्डिंग से पेशेंट ठीक होता है क्या साहब? पेशेंट ठीक होता है दवाओं से, फैसिलिटीज, डॉक्टर से, नर्सेस से, जो वहां पर होना चाहिए वो है ही नहीं वहां पर, चीजें टेक्निकल चीजें जो लगती है। तो अभी अभी जैसे कि अभी उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, मेरा सीधा सवाल है कितने लोग को घर के लिए पैसे मिले मुझे बताइए आप। ये लोग बात कर रहे मुद्रा योजना, चलो मेरे को मुद्रा में बता दो आप कितने लोग को लोन दिलाए, चलो मुझे बता दो आप। ये एक और स्कीम जो बहुत बता, आयुष्मान भारत, मैं बता रहा हूँ आयुष्मान भारत, अभी आप एक बार यहाँ पर सर्वे कर लेना, बीपीएल फैमिली के पास जाना, कितने लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत हेल्थ कार्ड इशू हुए हैं, इंश्योरेंस कार्ड हुए, मेरे को बता देना लाके। और फिर मेरे से ये पूछना कि साहब इसकी एंट्री कैसे की जाती है, मैं कैसे इनरोल करवाऊँ, कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है गवर्नमेंट का, क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं आप? तो मेरा ये सवाल है साहब, बात करो आप किस बेसिस पर आप, अभी ये लोग बोल रहे हैं इस बार 1 लाख पार, इस बार बांगड़ा साहब 1 लाख पार, हो सकते हैं वो पार, मेरे को उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ तो स्ट्रांग बता दो कि मैं इस बुनियाद पर आपसे वोट मांग रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपके घर में बच्चे हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, आज 15 साल से बावन कुले साहब जैसे कि यहाँ पर इस क्षेत्र से चुनकर आ रहे हैं, और अब तक मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं मिला है कि मतलब एक पार्क यहाँ पर
कामटी में एक गार्डन जहाँ पर आप और मैं या कोई एक आम जनता जो जाके संडे हो या फिर इवनिंग का टाइम हो तो जो वहाँ पर जाके अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है, मैं आपको बताता हूँ, नागपुर में ट्रैफिक पार्क है जी और अंबाजरी गार्डन है नागपुर में, तो जैसे जो बड़े है वो तो है लेकिन जो छोटे हर 4-5 किलोमीटर पे आप जाते हो तो एक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है क्योंकि मेरा डेली का नागपुर का आना जाना है तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो कामटी एक छोटा सा इलाका होते हुए कामटी में इतने बड़े मंत्री हमारे ऐसे चुन के दिए हैं, तो ऐसा क्यों अब तक क्यों नहीं हो पाया? उसका रीजन है हमारे जो पालक मंत्री साहब है वो एक्सपर्ट है समाज भवन के लिए वो आप उनके पास प्रपोजल लगे हो साहब ये जगह पे समाज भवन बनाना है, हाँ चलिए लो पैसा रख लो समाज भवन। तो मेरा ये सवाल है उनसे कि साहब बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा, एक भी गार्डन नहीं, आज मेरा बच्चा रो रहा है या मेरे को अपनी वाइफ के साथ कहीं जाना है, फैमिली के साथ कहीं जाना है, कोई जगह ही नहीं है जाकर जहाँ मैं जाके वो पार्क में अच्छा टाइम पास कर सकूं या फिजिकल एक्टिविटी कर सकूं, कुछ नहीं है। इसमें हम भी मतलब नगर परिषद भी इसमें दोषी है बिल्कुल और पालक मंत्री भी दोषी है क्योंकि नगर परिषद की जवाबदारी होती है कि लोगों को पार्क मुहैया करवाएं, ये हमारी भी जवाबदारी है और इसके लिए भी हम लड़ाई करेंगे आगे, और हमारी सत्ता इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में आती है नगर परिषद में तो हमारी प्रायोरिटी रहेंगी इसके लिए, बिल्कुल प्रायोरिटी रहेंगी हमारी। शकीब साहब जैसे अभी आने वाले समय में थोड़े समय में 1.5-2 महीने के बाद विधानसभा इलेक्शन अपने यहाँ पर होने वाले हैं, तो AIMIM पार्टी का क्या रिप्रेजेंटेटिव रहने वाला है? देखिए अभी अभी आपको मालूम होगा 2 दिन पहले हमारी युति जो थी भारी बहुजन महासंघ वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ टूटी है बिल्कुल, तो अभी नया डायरेक्शन जो भी आएगा ऊपर से जो हमारे इम्तियाज अली साहब डिसीजन लेंगे, असद अवैसी साहब डिसीजन लेंगे लड़ने का, तो अगर से वो लोग बोलेंगे तो हम तो बिल्कुल लड़ेंगे। तो आपकी प्लानिंग है विधानसभा? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी ही नहीं, अगर से पार्टी मेरे को बोलेंगे कि आपको लड़ना है तो मैं भी लड़ूंगा, पार्टी बोलेंगे नहीं हमको इसको लड़ाना है ये अच्छा कैंडिडेट उसके लिए लड़ेंगे, मतलब हम पार्टी के लिए लड़ेंगे। तो पार्टी किसको भी देंगे? फिर कांग्रेस या बीजेपी की, कांग्रेस की तरफ से फिर आपको मतलब दोष लगाया जाएगा, मतलब तुम ये बीजेपी की बीटी में तो किस तरह से फेस करोगे? बता रहा हूँ मैं उसको, पिछले 15 साल से कांग्रेस को ही हम वोट करके आए हैं, क्यों नहीं आए चुन के, ये मेरा सवाल है, क्यों नहीं आ रहे चुन के? मेरे को मेरी पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी बनाना है, मेरे को ये बताना है कि मेरी इतनी ताकत है और इसके लिए अगर से हम कोई भी इल्जाम हमारे पर आ जाए हम लेने को तैयार है, क्यों नहीं बीएसपी को बोला जाती है ये बात? बीएसपी कितनी सीटें यहाँ पर मुझे बताइए आप, महाराष्ट्र विधानसभा में बीएसपी की एक भी सीट नहीं है, फिर भी वो 288 लड़ा सकते हैं, लेकिन मजलिस जिसके पास 2 सीट थी हाँ वो लड़ाए तो यार बीजेपी की बीटी बन जाती है। तो ये जो माइंडसेट है इसको उपरना पड़ेगा, हमको निकलना पड़ेगा बाहर और हम तो फेस करने को तैयार है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो शकीब भाई जैसा कि आपकी मम्मी यहाँ पर नगर सेविका है जी, है ना, और आप उसके रिप्रेजेंटेटिव, तो आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव सारे काम आपके अंडर में है आपके मम्मी के, तो आपने मतलब क्या यहाँ पर अब तक के क्या मतलब लोगों के लिए काम किया, किस तरह से किया, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने का क्योंकि हमारे यहाँ ये सवाल नहीं पूछा जाता, मैं तैयार हूँ इसके लिए, जिसको भी आना है मेरे वार्ड में प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। मेरी ये सोच थी कि मेरे को अपने वार्ड से नालियों पर ढक्कन लगाना है, मतलब नालियां बंद करना है, पैक करना है, जो गंदगी शुरू होती है वहीं से शुरू होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में मेरे प्रभाग क्रमांक 6A उसकी तकरीबन 75% नालियों पर ढक्कन लग चुके हैं, जो 25% रिमेनिंग है उस पर से भी काम चालू है, उस पर भी काम चालू है, और उसके अलावा रोड के भी काम हुए 2-3 जो जरूरत थी, गैर जरूरी नहीं बोल रहा हूँ, जो जरूरत थी रोड के वो काम हुए, 2 पाइपलाइन डलना था वो पाइपलाइन डलवाया जो जरूरत थी, उसके अलावा जो दूसरे काम होते हैं यूजुअली मैं सोशल वर्क में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, डेवलपमेंट में बता दिया आपको, और जिसको देखना है आप प्लीज़ आइए, मैं आपको पर्सनल लेकर जाऊँगा कि ये नाली का ये हाल था, वो नाली बन चुकी है, और एक बात सोशल काम जो थे मेरे उसमें आप जानते हो कि मेडिकल कैंप तो हम लोग हर साल 1-2 करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 100 से 150 लोगों का मुफ्त में मोतियाबिंदु का ऑपरेशन करवा चुके हैं और करते रहते हैं, दूसरा भी लोग जो बेचारे बीमारी में मुबतला रहते हैं हम उनकी पूरी कोशिश करते हैं मदद करने की हर लिहाज से, और ये काम मेरी सोच ये है कि पॉलिटिक्स शुड बी बेस्ड ऑन सोशल कॉज, पॉलिटिक्स शुड बी डन टू चेंज द सोसाइटी, ये मेरी सोच है, इट शुड बी अ सोशल वर्क फॉर यू, इट्स शुड बी अ प्लेटफॉर्म टू सर्व द पीपल, तो करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और आप लोग का साथ रहा इंशाल्लाह तो आगे भी करेंगे जी। शकीब भाई मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि कुछ इलाकों जब मैं सर्वे करने निकला था कि कुछ इलाकों में काफ़ी बेहतरीन सड़कें हैं, अच्छी नालियाँ हैं, मैंने मतलब हमारी नज़रों ने वहाँ पर बच्चों को स्केटिंग चलाते हुए देखा है वो सड़कों पर, और कामटी का एक दूसरा एरिया
जहाँ पर अगर मैं खुले मन से कहना चाहूँ तो मुस्लिम और दलित लोग रहते हैं, वहाँ पर मुझे किसी किस्म का डेवलपमेंट नहीं नज़र आता, तो आपको क्या वजह लगती है इसकी? देखिए, इसमें पब्लिक का भी सपोर्ट ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर से मैं ये रोड बनवा दिया आज सपोज, ठीक है, अब वो रोड की साफ़ सफाई हमारी जवाबदारी है रोज सुबह, लेकिन साफ सफाई होने के बाद भी आप उस पर कचरा डाल रहे हैं तो गंदा होने वाला है जी। उसके बाद अगर से आप मटेरियल डाल रहे जी, तो ये आपकी जवाबदारी है वो मटेरियल को इतने तरीके से रखना कि वो रोड पे फैले ना, क्योंकि जब वो मटेरियल रोड पे आएगा तो ऑटोमेटिक रोड खराब होने वाली है। नहीं तो मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मैं बता रहा हूँ आपको, अब आप बोल रहे हो कि जो कामटी का आधा पार्ट है उस पर पूरा डामरीकरण हो गया है और हमारे एरिया में सीमेंटीकरण है। मैं समझ रहा हूँ आपकी सवाल। अब देखिए, इसमें मसला ये है कि हमारे जो पालक मंत्री साहब हैं उनका एरिया कौन सा है, उनका एरिया वही है जहाँ पर सीमेंटीकरण डामरीकरण हुआ है, और उनको ये बात मालूम है जो मेरे एरिया नहीं है वहाँ मेरे को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने PWD से वो सारे काम करवाए जी, ठीक है, उन्होंने हमको यूज़ कर लिया, NOC उनसे ले लिया हमसे नगर परिषद से, और जो है वहाँ पर डामरीकरण कर तो दिया नगर परिषद। तो ये जो चीज़ है, ये ट्रेंड बहुत गलत है, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये ट्रेंड बहुत गलत। ट्रेंड क्यों गलत है, ये अब मेंटेलिटी ये बन रही यार, ये इसका एरिया है तो ऐसा, इनका एरिया तो ऐसा, तो इससे लोगों में और बेचैनी बढ़ेंगी, दूरियाँ बढ़ेंगी, जो नहीं होना चाहिए, ये मेरी सोच है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो जैसे नगर परिषद NOC देती है, तो नगर परिषद कुछ एक क्षेत्र के लिए क्यों NOC दे रही है? नहीं, अभी ऐसा है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी भी बात हुई, हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको भी अब जो है सीमेंट रोड बनाने के बाद उसके ऊपर डामरीकरण करना चाहिए, क्योंकि डामरीकरण करने से होता भी है कि रोड में स्मूथनेस भी आता है, मज़ा भी आता चलने में। तो करेंगे हम लोग बात हुई है वो, कि हम अपने लेवल पर करवाएंगे वो काम, ऐसा है। तो ये तो शकीब रहमान साहब, इन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया है, तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं शकीब रहमान के, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमें थोड़ा सा वक्त दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया शकीब। बहुत बहुत शुक्रिया जिशान भाई, हम इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद करते हैं आप बुलाते रहे हमें ऐसे। तो आप जुड़े रहिए NGP न्यूज़ के साथ, और हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करें, और इस तरह के और भी बेहतरीन इंटरव्यूज़ जानने के लिए, देखने के लिए आप यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।